सेगांव के पैराडाइज एकेडमी स्कूल में देवी श्री जनसेवा समिति के तत्वाधान में पहली बार निशुल्क सर्वरोग परीक्षण निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सहकारी नेता बोंदर सिंह मंडलोई, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया है। शिविर में 600 से अधिक से गांव खरगौन, ऊन, नागलवाड़ी समेत अन्य जगहों के मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सर्व रोग निदान शिविर में डॉक्टर गोविंद मुजालदा व इंदौर की फार्मा ग्रुप द्वारा निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई है। वहीं निदान लैब द्वारा आधी कीमत में जांच की जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर प्रकाश मंडलोई ने बताया कि हम सभी मित्र जो इस सेगांव की मिट्टी में खेल कूद के पढ़े लिखे और इस काबिल बने, इसीलिए हम करीब 5 मित्र निशुल्क निदान शिविर का आयोजन कर मिट्टी का कर्ज चुकाने आए हैं। साथ ही करीब 20 और चिकित्सक मित्रों को भी लाए हैं। हमें इस शिविर में हमारे मित्रों व नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस अवसर पर नगर के सुनील पाटीदार, हरिओम यादव ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान शिविर में जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोलंकी, प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान, नायब तहसीलदार जागृति जाट भी पहुंची। हम लोग करीबन 24 लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। इंदौर में MI सुपर स्पेशलिटी, बॉम्बे हॉस्पिटल, खंडवा से, जैन से, फिर खरगोन से, सनावत से, काफ़ी जो भी मित्र लोग हैं वो जो मुझसे जुड़ के इस गांव की जो भी मिट्टी कर्ज था ये चुकाना चाहते थे और लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना चाहते थे, वो सभी इस तरह से आए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।